वेलकम स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपनी यूट्यूब चैनल पर क्या हाल चाल है आई होप बढ़िया है मस्त बिंदास तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके फेस टू स्टार्ट हो चुके हैं और काफी बच्चे हमसे एक रिव्यू मांग रहे थे सर एक रिव्यू दो अपने सेंटर का ही दो कानपुर सेंटर का ही दो तो आज मैं आपको कानपुर सेंटर का रिव्यू देने जा रहा हूँ लेकिन रिव्यू देने से पहले मैं उन बच्चों को थोड़ा सा सावधान करना चाहता हूँ जो अपने रिव्यूज को शेयर कर रहे हैं वो थोड़ा सा सावधान हो जाए क्योंकि वहाँ पे फिर से कमांडिंग से कहा गया है कि आप लोग फालतू की फेक न्यूज़ पे आके मत रहें और अपने काम से फोकस करें ठीक है अगर आप इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो आगे आप समझदार हैं आगे हमको कहना अच्छा नहीं लगता ठीक तो इस चीज़ को याद रखना जैसे कि आप लोगों को बहुत कुछ बहुत कुछ बोला जाता है ऐसा बहुत कुछ बहुत कुछ होता नहीं है आप लोग गए होंगे आपको शायद उन्होंने नाम लेके भी बोल दिया हो तो आप लोग इतना समझदार हैं अब हम बात करते हैं आपसे आगे की बात करने से पहले हम उन बच्चों को बताना चाहते हैं जो अब भाई देखो आप आउट हो गए अब आपको नई तैयारी करनी है और नई तैयारी करने के लिए आप लोग बहुत पीछे हो अगर आपको नई तैयारी करनी है और जो बच्चे नई तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मिशन बेलगाम कंप्लीट बैच ट्रिपल नाइन में स्टार्ट हो चुका है जहां पे आपको कॉन्सेप्ट भी मिल रही है प्रैक्टिस भी मिल रही है और इसके साथ साथ पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है सारी क्लासेस आपको एप्लीकेशन जाहो पे मिलेगी आपको कुछ नहीं करना जाहो जयाओ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जाहो जया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको मिशन बेलगाम बैच पे जाके उसको परचेस करना अगर आप मैथ स्पेशल भी चाहते हो तो मैथ स्पेशल का अलग से वहां पर ऑप्शन है अब मैं बात करने जा रहा हूं आज के रिव्यू की तो भाई जैसा कि आज जो बच्चों ने मेरे को बताया है ठीक है आज काफी सारे बच्चे कानपुर सेंटर में एग्जाम देके आए हैं और उनके द्वारा बताया गया कि आज जो है देखो आप लोगों को लगता है कि यार मेरे को फिजिकल आता है जब यहाँ पे फिजिकल के लिए बच्चे आए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि बउवा फिजिकल आवत है तो बउवा अरे चौड़िया के अस सर जी फीजीडी करा दो फिजिकल तो हमें आवत है ठीक है तो वो कहलावत है गधा जिनको आवत है फिजिकल ठीक है होएगा गए आज टाटा फिज फिजिकल में ही ठीक है अगर मैं बात करूं टोटल स्टूडेंट्स की जो कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग थी वो थी थ्री ठीक है तीन बच्चों की आज वहां पर रिपोर्टिंग हुई थी ठीक है जो शिफ्ट थी आज की, आज की की शिफ्ट में मॉर्निंग में तीन बच्चे वहां बच्चे खुशी खुशी गए थे लेकिन उन 352 में कुछ का खुशी गम में बदल गया ठीक है वो पहले बात करेंगे जिनको लगता था मैं लिए आपको बोलता हूं कि फिजिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जीडी से यार जब आप जीडी तो बाद का ऑप्शन है फिजिकल नहीं निकाल पाओगे खा खा के चौड़िया रहे हो है? सर्दी हाथी रजैया में घुस गए के अरे ठंडी में कौन दौड़े जाएगा सर जी बैठो घर में अब ठीक तो मतलब है तो भैया जो एकदम मतलब के चौड़िया रहे थे उनके लिए तो बहुत ही खबर खराब है कि उनमें से आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में 19 तो रनिंग आउट हो 19 क्या हो गए गए क्या रनिंग आउट हुए ठीक है नाइनटीन क्या हुए रनिंग दौड़ा ही नहीं पाए धर रहे ठीक है गए थे पेपर दें एयरफोर्स का और पता चले पापा का पूछिन पापा हम दौड़ा ही नहीं पाए शर्म नहीं आएगी तुमको आज कहते हुए कि यार हम इतनी कम रेस नहीं दौड़ पाए हैं डिफेंस की तैयारी करने जा रहे थे तो 19 तो उसमें रनिंग में आउट हो गए रनिंग में आउट हो उसके पूछा था हमने बेटा आती है सर जी कैसे गया समझ रहो कितना आउट, जहां होल्ड का बोला पॉस्टर ही बिगड़ गए सारे पॉस्चर आगे पीछे ऊपर नीचे कमरिया मटका रहे थे आधे लड़का तो ठीक तो तो है।, है तो मैं बताऊ पुस पोजिशन में बहुत बच्चे बाहर हुए पोजिशन में बहुत बच्चे बाहर हुए हैं जीडी का अभी डेटा मेरे पास आ नहीं पाया था क्योंकि वीडियो में पहले बना रहा हूं ठीक है और उसके बाद जीडी का जो है रिस्पॉन्स एवरेज है जीडी का रिस्पॉन्स ज्यादा ये जीडी में आउट नहीं किए गए जीडी का रिस्पॉन्स एवरेज रहा है ठीक है और काफी बच्चे जो हो चुके हैं उनके वीडियोस आपको जल्दी मिलने वाले हैं तो एक चीज याद रखना तो ये मैंने आपको मेडिकल वो सॉरी ये मैंने आपको किसका फिजिकल का ओपिनियन दिया है ठीक है जीडी का ओपिनियन हम आपको कल पूरा बताएंगे कि जीडी में कौन कौन से टॉपिक पे क्या डिबेट हो रही है किस चीज़ के बारे में कितना टाइम दे रहा है क्या फिस मार्केटिंग हो रही है आपकी क्या क्या जीडी में वहां पे चीज़ें पूछी जा रही हैं ये सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे एकदम एक्यूरेट क्योंकि ये कानपुर सेंटर मेरे पास का ही है वहां का सीन है तो मैं वहां का आपको बता रहा हूँ तो भैया जी ऐसा है जिनका भी आगे लगा है तो अपनी रनिंग और पुषअप सुधार लो मैं फिर बोल रहा हूँ पुसअप के पॉस्चर्स गलत करोगे तो आप बेकार हो याद रखना इसीलिए मैंने कहा था ट्रेंड फिजिकल ट्रेनर से ही फिजिकल करिएगा ऐसे वैसे किसी से भी फिजिकल मत करिएगा लेकिन तुम लोगों को समझ में कहाँ आता है कि फिजिकलचरली मयंसर मयंक सर, करा। सर थोड़ा कराते हैं यहाँ ट्रेन फिजिकल होते हैं तब जाके आप फिजिकल करते हैं तो भैया इस चीज को थोड़ा इंप्रूव करना तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम